हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूट्यूब। आज हम बताएंगे आर्मेनिया और अजरबैजान के मिलिट्री पावर के बारे में। आप जानते ही होंगे इस टाइम में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बड़ा सा युद्ध चल रहा है नागोर्नो काराबाख को लेकर। इसके चलते दोनों देशों का टैंक, आर्टिलरी सिस्टम या डिफेंस, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय किया है और काफ़ी कैजुअल्टीज भी हुई है। सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में। जिस देश जितना इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा उस देश का सेना उतना ही ताकतवर होगा। जीडीपी, अजरबैजान की जीडीपी 46 बिलियन, आर्मेनिया की जीडीपी 13 बिलियन। पर कैपिटा इनकम अजरबैजान की $14,600, आर्मेनिया की $4,212। पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन अजरबैजान की 10 मिलियन, आर्मेनिया की 3 मिलियन। अवेलेबल मैन पावर अजरबैजान के पास 5 मिलियन है, आर्मेनिया के पास 1.6 मिलियन। फिट फॉर सर्विस अजरबैजान के पास 3.7 मिलियन, आर्मेनिया के पास 1.3 मिलियन। टोटल मिलिट्री पर्सोनल, यहाँ पे एक बात बता दूँ, अजरबैजान यहाँ पे सिर्फ आर्मेनियन आर्मी के साथ नहीं लड़ रहा है, यहाँ पे आर्मेनिया के साथ आर्टसाक नाम का एक नागोर्नो काराबाख का एक अलग सी आर्मी मिलिट्री फोर्स है, उसके साथ भी लड़ रहा है, जिसका कैपेसिटी है 70,000। टोटल मिलिट्री अजरबैजान के पास 4,26,000, आर्मेनिया के पास 2,45,000 और 800 आर्मी 70,000। एक्टिव मिलिट्री अजरबैजान के पास 1,26,000, आर्मेनिया के पास 45,000 और 800 के टोटल 70,000, इसका मतलब 1,15,000 टोटल हुआ। अजरबैजान के पास 3 लाख आर्मी रिजर्व है, आर्मेनिया के पास 2 लाख आर्मी रिजर्व है। डिफेंस बजट अजरबैजान 2.8 बिलियन हर साल खर्च करता है, आर्मेनिया 1.3 बिलियन खर्च करता है। अब चलते हैं लैंड फोर्स की तरफ। टैंक अजरबैजान के पास 665 टैंक है, जिसमें T-90 100 टैंक, T-72 470, T-55 95 यूनिट। आर्मेनिया के पास 130 टैंक यूनिट है, जिसमें T-90 120, T-72 101, T-55 8 यूनिट और नागोर्नो काराबाख के पास 371 टैंक है, कुल मिलाकर 501 टैंक। आर्मोरेड व्हीकल्स अजरबैजान के पास 1451, आर्मेनिया के पास 748 और 800 आर्मी के पास 459, कुल मिलाकर आर्मेनियन अलायंस के पास आर्मोरेड व्हीकल्स है। टाउड आर्टिलरी अजरबैजान के पास 227, आर्मेनिया के पास 150 और 800 आर्मी के पास 479, टोटल 629। सेल्फ पॉपल आर्टिलरी अजरबैजान के पास 187, आर्मेनिया के पास 38। रॉकेट प्रोजेक्टर अजरबैजान के पास 162, आर्मेनिया के पास 68 और 800 आर्मी के पास 44, टोटल 112। चलते हैं एयर पावर की तरफ। टोटल एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ है अजरबैजान के पास 147 एयरक्राफ्ट, आर्मेनिया के पास 64 एयरक्राफ्ट। फाइटर जेट अजरबैजान के पास 17 है, जिसमें MiG-29 13 और SU-25 4, आर्मेनिया के पास 12 फाइटर जेट है। SU-30 SM जो 4 अभी एक्टिव है और 8 ऑर्डर में है। डेडिकेटेड अटैक अजरबैजान के पास 14 डेडिकेटेड अटैक फाइटर जेट है, 12 SU-25 और 2 SU-24 25 फाइटर जेट है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अजरबैजान के पास 1, आर्मेनिया के पास 3, दोनों के देशों के पास कोई स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट नहीं है। हेलीकॉप्टर फ्लीट अजरबैजान के पास 88 हेलीकॉप्टर फ्लीट है, आर्मेनिया के पास 37। अटैक हेलीकॉप्टर अजरबैजान के पास 17, आर्मेनिया के पास 20। आप देख लेते हैं नेवी पावर कितना शक्तिशाली है। अजरबैजान के पास 31 नेवी एसेट है, आर्मेनिया के पास कोई नेवी नहीं है। इसका कारण आर्मेनिया का जियोग्राफिकल पोजीशन और
आर्मेनिया के पास कोई समुंदर नहीं है इसके वजह से। दोनों देशों के पास एयरक्राफ्ट कैरीज नहीं है, डिस्ट्रॉयर भी नहीं है। अजरबैजान के पास एक फ्रिगेट, 7 माइन वॉरफेयर, 13 पेट्रोल बोट और 4 सबमरीन है। इसके अलावा दोनों देश बहुत ज्यादा एयर डिफेंस इस्तेमाल करता है। दोनों देशों में अजरबैजान के पास बराक 8-3 यूनिट है, S-300-2 यूनिट है, S-200-4 यूनिट है, S-125-13 यूनिट है, टॉर मिसाइल सिस्टम्स 8 यूनिट है, बुक मिसाइल 6 यूनिट है, 9K-33 ओसा 10 यूनिट है, T-38 स्टील 2 यूनिट है और 9K-35 टॉल 54 यूनिट है। आर्मेनिया के पास S-300 सिस्टम 6 यूनिट है, S-125 नेवा 2 यूनिट, S-75 79 यूनिट, 9K-35 KM-3 15 यूनिट, 2K-11 कर्ज 115 यूनिट, टॉर मिसाइल सिस्टम 10 यूनिट, 9K-33 ओसा 10 यूनिट, बुक M-112 15 यूनिट। इसके अलावा दोनों देशों के पास मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है। अजरबैजान के पास लोड़ा मिसाइल्स जो 400 किलोमीटर रेंज 50 लॉन्चर है, TRG-300 जो 20 लॉन्चर है, OTR-21 टोच का जो 4 लॉन्चर है, पोलोनिज जो 10 लॉन्चर है 300 किलोमीटर का रेंज। आर्मेनिया के पास 9K-720 8 लॉन्चर है, कूट भी 8 लॉन्चर है, OTR-21 टोच का जो 8 लॉन्चर है। तो गाइस ये था अजरबैजान का और आर्मेनिया का टोटल मिलिट्री इक्विपमेंट का कंपैरिजन। अगले वीडियो में बहुत जल्द आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।